हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और मैं हूं भरगेंगा सैफ। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल डिश लाया हूं जिसका नाम है बेज सीख कबाब। आज मैं आपको बताऊंगा बेज सीख कबाब कैसे बनाते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। बस आपने मेरा वीडियो आखिर तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों। बेज सीख कबाब है जो एकदम सब्जियों से भरा हुआ कबाब है। आज मैं आपको बताता हूँ इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये बेज सीख कबाब का पूरा सेटअप है। हमें बेज सीख कबाब बनाने के लिए किचन किंग, चाट मसाला, जीरा पाउडर, नमक, गरम मसाला और काला नमक, ब्रेड क्रम एकदम अच्छा और साफ सुथरा होना चाहिए। ये गार्निश के लिए है धनिया, टमाटर, प्याज, पुदीना और अदरक और मिर्च हम कबाब के अंदर डालेंगे। उबले हुए आलू, गाजर, बीन्स और फूल गोभी। अब मैं आपको सब काट के और बॉईल करके दिखाता हूँ कैसे करें। हम सबसे पहले ये बीन्स है इसको इस तरीके से आप काट कर लें साफ। ये देखिए तोड़ लें, इस तरीके से हमने सारे बीन्स तोड़ लेने हैं। दोस्तों हमने अब बीन्स तोड़ लिया, अब गाजर छील लेंगे हम। आप गाजर छील लें, आप इस तरीके से काट लें। ये देखिए हम गाजर काट के ऐसे बॉल में डाल देंगे। अब हम इसी तरीके से बीन्स काट लेंगे। आप एकदम बारीक काट लें। अब हम बीन्स काट के भी ऐसे बॉल में डाल देंगे। अब हमने गाजर बीन्स काट दिया है, हम अब गोभी को ग्रेट कर लेंगे। आप ये देखिए इसको फूल गोभी को इस तरीके से आप ग्रेट कर लें ग्रेटर से। ये देखिए दोस्तों हमने ये ग्रेट हो गया हमारा गोभी। अब हम ये भी इस बॉल में डाल देंगे। ये देखिए अब इसको हम बॉईल कर लेंगे। दोस्तों गाजर, बीन्स और गोभी हमने काट दिया। ये देखिए आलू छील के इसको भी हम ग्रेट कर लेंगे। दोस्तों हम आलू ग्रेट करके रख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप आलू भी ग्रेट कर लें, क्योंकि वेजिटेबल सीख कबाब है तो इसमें थोड़ा आलू भी डालेंगे। दोस्तों हमने पानी चढ़ा रखा है और हमारा पानी गर्म है। जैसे पानी उबलेगा हम इसमें सब्जी डाल देंगे। आप ध्यान रखें पानी उबलने के बाद ही सब्जी डालें। दोस्तों पानी उबल चुका है, मैं इसमें सब्जी डाल दूंगा। आप ध्यान रखें ज़्यादा ना उबालें, जैसे ही एक उबाल आएगा आपने तुरंत निकाल लेना है सब्जी। दोस्तों ये देखिए उबाल आ चुका है, अब मैं सब्जी निकाल लूँगा। आप भी एक उबाल के बाद निकाल लें तुरंत। इस तरीके से हमने निकाल लेना है, वैसे आप स्ट्रेनर में डाल लें, उसके बाद इसमें ठंडा पानी डालें। दोस्तों आपने छानने के बाद थोड़ी देर इसमें छलनी में ही इसको रखना है ताकि पानी सारा नचुड़ जाए। उसके बाद आपने एक ऐसा मसलिन क्लोथ लेना है जिसको मलमल का कपड़ा भी बोलते हैं और सारा सब्जी आपने इसमें डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद आपने इसको अच्छे से नचोड़ना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, इसका सारा पानी निकाल लेना है आपने। इस तरीके से आप नचोड़ लें, ये देखिए अच्छे से नचोड़ लें। अगर आप अच्छे से नहीं नचोड़ेंगे तो इसमें आपको ब्रेड क्रम ज़्यादा डालना पड़ेगा और फिर सब्जी का मज़ा नहीं आएगा। बेज सीख कबाब का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से नचोड़ें, सारा पानी निकाल लें। पानी निकालने के बाद आपने इसको ऐसे चॉपिंग बोर्ड में डालना है। ये देखिए इस तरीके से आपने ऐसे चापड़ लेना है, नहीं तो आप नाइफ से भी कर सकते हैं, और इस तरीके से एकदम इसको बारीक चॉप कर लें। ये देखिए दोस्तों अब ये हो चुका है। इस तरीके से आपने बारीक कर लेना है। उसके बाद आप ये सब एक स्टील के बॉल में डाल लें। ये देखिए इस तरीके से। अब दोस्तों मसाले की बारी है। अब इसमें हम बारीक काट के धनिया डालेंगे। थोड़े धनिया के पत्ते आप इसमें डाल दें, थोड़ा नमक, थोड़ा जीरा पाउडर, गरम मसाला, किचन किंग और थोड़ा सा काला नमक, हल्का ब्रेड क्रम और जो हमने आलू ग्रेट करके रखे थे वो भी डाल देंगे। ये देखिए और थोड़े से बारीक अदरक काट के डालेंगे। ये देखिए एकदम बारीक आप काट लें, इसको फाइन चॉप बोलते हैं। बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आप हरी मिर्च ऐसे फाड़ लें। ये देखिए इस तरीके से आपने फाड़ना है, उसके बाद ही आप इसको काटें तभी आपकी अच्छे से फाइन होगी। और हमने ऐसे बारीक काट लेना है, काट के और थोड़ी सी इसमें डाल देंगे। ये देखिए हरी मिर्च,
ये सब डाल के हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। इस तरीके से आप मिक्स कर लें। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन मिक्सचर बन गया है सीख कबाब का। जब इसमें एक पकड़ आएगी तभी ये सरिये में लग पाएगा। इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स कर लें और एक अच्छी पकड़ बनाएं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मिक्स हो गया, इसकी पकड़ भी बहुत अच्छी हो गई है। अब मैं आपको सरिये में लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे बहुत सारे सरिये टंगे हुए हैं, हम इसमें से एक सरिया लेंगे। अब हम इसमें लगा देंगे। आप सबसे पहले अपना हाथ को पानी में भिगा लें इस तरीके से, और सीख कबाब का आपने मिक्सचर ऐसे लेना है, ये देखिए, और ऐसे सरिया में लगा दें। ये देखिए इसके जो वेजिटेबल हैं वो बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं, सब अलग अलग। आपने इसी तरीके से बनाना है और ऐसे आप लगा दें। एक तार लगाएं, कहीं मोटा कहीं पतला ना हो ध्यान रखें, और अपने कंफर्टेबल के हिसाब से लगा लें। इस हिसाब से लगाएं जितना आप संभाल पाएं, गिर ना जाए। लेकिन आप इसी रेसिपी से बनाएंगे तो कभी नहीं गिरेगा, बहुत ही अच्छा शानदार बनेगा। ये देखिए हो गया है। अब मैं इसको तंदूर में डाल के और आपको पका के दिखाता हूँ। आपने इस तरीके से तंदूर में डालना है। ये देखिए ये हिस्सा नीचे रखें और ऐसे तंदूर में डाल दें। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट लेगा, तब तक मैं आपको प्लेट में गार्निश मार के दिखाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले प्याज लेंगे और एकदम ऐसे बारीक काट लेंगे। देखिए इस तरीके से आप काट लें और इसको ऐसे खोल के और प्लेटर में यहाँ कोने में लगा देंगे। ये देखिए ऐसे टमाटर ऐसा काटें, ये देखिए, और ऐसा फूल बना लें, ये देखिए, और ऐसे यहाँ लगा दें आप इस तरीके से। ये देखिए, और थोड़े धनिया के पत्ते, पुदीना लगा लगा के परेशान हो गए, अब धनिया के पत्ते लगाते हैं, और हरी मिर्ची ऐसे काट लें आप, और ऐसे आपने हरी मिर्ची लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से लगा देंगे। बेसी कबाब निकाल के लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। आपने निकालने के लिए ये देखिए यहाँ टांगना है ऐसे, और इस तरीके से दोनों हाथ से पकड़ें। ये देखिए दोनों हाथ से पकड़ना है और ऐसे धीरे से ऐसे निकाल लेना। ये देखिए ऐसे निकालने के बाद आप ऐसे चॉपिंग बोर्ड पर रखें। ये देखिए अब हम इसको काट लेंगे, ऐसे काटेंगे। ये देखिए डायमंड में, ये देखिए इतना बड़ा। आप नाइफ के टॉप हिस्से से काटें। ये देखिए दोस्तों मैंने इस काट लिया है। अब मैं आपको इसको प्लेट में सजा के दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपने सजा लेना है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार हो गया। अब हम इस पर थोड़ा सा चाट मसाला और धनिया के पत्ते डालेंगे। दोस्तों आपने कभी भी कबाब के ऊपर पहले चाट मसाला डालना है, ये देखिए इस तरीके से, उसके ऊपर आप धनिया के पत्ते डालें, नहीं तो आपका चाट मसाला धनिया के पत्ते के ऊपर ही रह जाएगा और वहाँ जहाँ आप पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँचेगा नहीं। इस तरीके से आप डाल लें।